प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग पहुंचकर दो जगह पर सभा को संबोधित किया। पहले हजारीबाग के विनोबा विश्वविद्यालय में उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की, जिसमें आदिवासी जनजाति लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचना है और उन्हें सशक्त कर समाज के पटरी पर लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि आदिवासियों के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे पूरे देश के 549 जिलों के जनजाति लाभान्वित होंगे, जिसमें 63,000 गांव भी शामिल है। इसके माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में अंतर को दूर किया जाना है। जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं 25 स्कूलों का आधारशिला रखे, जो कि 2800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिसमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनबाड़ी केंद्र, 250 बहुत देसी केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा पीएम जनमन के तहत 3000 गांव में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन, 500 आंगनबाड़ी केंद्र में 250 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना का लाभ प्रदान किया गया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से हजारीबाग के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झामुमो भी अब कांग्रेस के रास्ते पर चलना शुरू कर दी है। जब झारखंड बना था तो यह उम्मीद थी कि झारखंड विकास की ओर जाएगा, लेकिन अब विकास से कोसों दूर झारखंड दिखता नजर आ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन से हो रहा है। बता दें कि आज परिवर्तन रैली का समापन करने मटवारी गांधी मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। मोदी जी ने आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि झामुमो भी अब राजद और कांग्रेस के रंग में रंग चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हुई है। यह परिवर्तन यात्रा का समापन झारखंड के लिए एक नई सुबह लेकर सामने आने वाला है। हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और पार्टी। झारखंड का परिवर्तन हमारा संकल्प है। यहाँ के जल जंगल और जमीन के लिए परिवर्तन जरूरी है। बता दें कि मटवारी के गांधी मैदान में सभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 जनजातीय समूह के लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को सामने से भी जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं को मोदी जी के कार्यकाल में ही दूर कर लिया जाएगा। मोदी जी ने एससी और एसटी रिजर्वेशन पर कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में एससी एसटी रिजर्वेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। सज्जनों से आग्रह करता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आज इस परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लोग हैं, उनके जीवन में समग्र विकास, सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो, इस उद्देश्य के साथ देश भर तल ध्वनि के साथ तालियों के साथ भी अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, आइए हम वंदन अभिनंदन करें। कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी यहाँ धरती आवाज जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत करेंगे। आप ये सभी मिलकर इसमें से लगभग 550 ऐसे जिले हैं जो जनजातीय बाहुल्य जिले हैं, ऐसे सभी 550 झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी और फिर शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को
सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री जुअल ओराम जी, इसी धरती के संतान मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, दुर्गादास उनके जी, यहीं के हमारे सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाई और बहन, आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का
विकास करने का अभियान चलाया जाए। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जन्म योजना भी लॉन्च हुई। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जन्म योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जन्म योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनधन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती।